यहाँ के विधायक चश्मा लगाए हुए वो भी काला, उनको सफेद को नजर नहीं आता है। यहाँ के जो सांसद है वो आज तक मुड़ के नहीं देखे कि बाली सीतापुर जिले में कोई गांव है भी। रोड बने यहाँ की, मतलब पानी भर रहा है, लोग परेशान है, ठीक है, समस्या सब लोगों के सामने है, लेकिन जहाँ भी दौड़ो, जिसके पास जाओ, बस लाली पाप दे देते हैं, उसको लेके यहाँ चूसा करते हैं। ना बनेगी, हमको ये भी उम्मीद है, अब कोई सरकार आ जाए सपा उपा की तो भले बन जाए। भाजपा के लोग नाच कर दिया बिल्कुल, कोई मतदान नहीं, कोई नेता आ गया तो दबा के पेलेंगे उसको। पानी भरा है, आदमी निकल नहीं पा रहा है, गिर गिर पड़ रहा, मोटरसाइकिल से बच्चे मर रहे हैं, एक जिम्मेदारी ही है भाई। कुछ ये है कि हमने कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को कई ज्ञापन दिए डीएम साहब के माध्यम से, और आज तक हमारी ये रोड 8 साल पुरानी रिनोवल हुई थी, बनी थी, आज तक इसका इतनी ज़्यादा अप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई कायाकल्प नहीं हुआ। रोड की हालत तो आप देख ही रहे कितनी खराब रोड की हालत है, मुसीबत छाई है। एक एक बुढ़े आदमी कहो घर से निकलने वाली दशा लाई, वह दशा हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त जनपद सीतापुर के तहसील क्षेत्र सिधौली के महज 3 किलोमीटर दूर कस्बा बाड़ी में मौजूद। जनपद सीतापुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बाड़ी के लोगों के द्वारा तहसील में तहसीलदार को मतदान न करने का ज्ञापन दिया गया, जिससे प्रशासन में एक प्रकार से चहल पहल मच गई। हम आपको बताते चले, यहाँ के ग्रामवासियों के कई वर्षों से सड़क की समस्या को लेकर के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, परंतु आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ भरा हुआ है। सीतापुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के साथ साथ यहाँ पर एक आर्यव्रत बैंक है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और तहसील सिधौली की बीआरसी यहीं पे पड़ती है। आप यूं समझें, सूबे की राजधानी से सटी हुई तहसील सिधौली, जहां पर शिक्षक शिक्षिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाड़ी आया करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर पानी भरा हुआ है, इसी पानी से निकलकर गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मिलकर के तहसीलदार सिधौली को ज्ञापन दिया, और ग्रामीण सामूहिक रूप में विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव मतदान न करने का, मतदान बहिष्कार करने का ज्ञापन दे चुके हैं। इस पूरे मामले में आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को कीचड़ में निकलना पड़ता है। हम आवाज दो, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, रोड नहीं वोट नहीं, रोड नहीं वोट नहीं, तुम आवाज दो हम एक हैं, कि हमने कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को कई ज्ञापन दिए डीएम साहब के माध्यम से, और आज तक हमारी ये रोड 8 साल पुरानी रिनोवल हुई थी, बनी थी, आज तक इसका इतनी ज़्यादा अप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई कायाकल्प नहीं हुआ। और अगर ये हमारी रोड नहीं बन रही तो हम किसी कीमत पे वोट नहीं करेंगे। हमारा गाँव पूरा गाँव एक है, हम लोग वोट नहीं करेंगे। समस्या आपके सामने दिख रही है, इसमें समस्या बताने क्या रह गया, मतलब पानी भर रहा है, लोग परेशान है, ठीक है, समस्या सब लोगों के सामने है, लेकिन जहाँ भी दौड़ो, जिसके पास जाओ, बस लाली पाप दे देते हैं, उसको लेके यहाँ चूसा करते हैं हम लोग। कि मतलब जो है अभी तक सड़क नहीं बनी है, ना बनी है ना बनेगी, हमको ये भी उम्मीद है, अब कोई सरकार आ जाए सपा उपा की तो भले बन जाए। भाजपा तेनों नाच कर दिया बिल्कुल, अभी आपने ज्ञापन दिया और मतदान ना कर किया जाएगा, वो तो नहीं होगा, इसमें होएगा नहीं, जो आएगा सामने उसको भी दाबे के रखेंगे। जब तक रोड नहीं बनती तब तक कोई मतदान नहीं, कोई नेता आ गया तो दबा के पेलेंगे उसको।
इतना आक्रोश है ग्रामीणों में? आक्रोश नहीं, उसको तो उतरने न दे, गांव में घुसने न दे, लेकिन क्या कहते हैं बाड़ी बाजार में रहते हैं, यहां तक आ सकता है, इसके आगे नहीं जा पाएगा, ये तो क्लियर है। यदि रोड नहीं बनती है, रोड नहीं बना तो कुछ नहीं भैया यहाँ, उसकी तो ऐसी तैसी कोई नेता है, कोई भी मंत्री आए, कोई धनतरी आए। भैया ये आप रोड देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरी ध्वस्त है, यहाँ के विधायक चश्मा लगाए हुए, वो भी काला, उनको सफेद को नजर नहीं आता है, यहाँ के जो सांसद है वो आज तक मुड़ के नहीं देखे कि बाड़ी सीतापुर जिले में कोई गांव है भी, तो हम लोग ये मांगे हैं रोड है भले यहाँ की, यहाँ पे विकास हो, इस कस्बे में कोई विकास है नहीं, कुछ भी नहीं, गंदगी इस कदर की है, अगर बच्चे पढ़ने जाए तो यही गिरके डूब जाए, लेकिन ये दिखता नहीं सांसद को, विधायक को, मुख्यमंत्री को, किसी नहीं दिखता, सारे सारे अंधे ब्लैक चश्मा लगाए हुए हैं, व्हाइट लिबास पहने, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है बीआरसी सिधौली की बाड़ी में पड़ती है, आर्यावर्त बैंक है और दो विद्यालय हैं और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सबके सब ध्वस्त है, बेकार, सिर्फ नाम का है कस्बा, इसको गिरे से गिरे ग्राम तक नहीं विकास। विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें निश्चित हो चुकी हैं, प्रदेश भर में आचार्य संहिता लगी है, उसके बाद सूबे की राजधानी लखनऊ से सटी हुई जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली से महज 3 किलोमीटर दूर कस्बा बाड़ी से सैकड़ों ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, तब न्यूज स्पंदन टीम ने ग्राउंड जीरो लेवल पर पड़ताल की, तब समझ में आया तहसील सिधौली की बीआरसी व आर्यावर्त बैंक तक पहुंचने के लिए लगभग 50,000 की आबादी के आवागमन का यही एक मुख्य मार्ग है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। समस्या का है, देख रहे हो टूनी पर पानी भरा है, आदमी निकल ना पा रहा है, गिर गिर पड़ रहा, मोटरसाइकिल से बच्चे मर रहे हैं, एक जिम्मेदारी ही है भाई, कोई छोटा गांव ना है, इतना बड़ा कस्बा है, तरीका बनने में कितनी दिक्कत है, दुनिया में काम हो रहे हैं, ये काम ना है, बाड़ी लंग तो कोई घूमी नहीं देख रहे की कहाँ पर का हो रहा, कहाँ फा ना हो रहा, पर कोई बात और हो जाए पर पकड़ के उसका अंडर कर दो, बस यू हो रहा। तो अभी हाँ पहले वोटर लिस्ट मामला देखो, यहाँ ग्रह का है 9,000 जहाँ वोट हुए वहाँ कोई सुनवाते नहीं, जसो जनता सब मर रही, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, साइकिल वाले सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, बताओ कैसे निकले, कितना बड़ी समस्या है, कैसे बड़ी कोई समस्या है। क्या नाम है आपका? लतीम, पंचायत सदस्य बाड़ी से हूँ, और हमारे गांव में अक्सर यही एक दिक्कतें हैं कि रोड की हालत तो आप देख ही रहे कितनी खराब रोड की हालत है, जब भी कोई महिला बुजुर्ग यहीं पे आर्यावर्त बैंक भी है, आसपास के गांव से महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, अक्सर इसी में गिर जाते हैं, अक्सर इसी के बाजू में सरकारी अस्पताल राज ये है, आसपास के गांव से महिलाएं, औरतें, बुढ़े बुजुर्ग आते हैं, वो भी इसी में आके आए दिन गिर जाती है। हमारे इस बाजू में ईआरसी भी है, जो लोगों को शिक्षा देते हैं, यहाँ से सीख के जाते हैं, वो भी महिलाएं आती हैं, आए दिन इसमें मैं देखता रहता हूँ, गिर जाता, मुझसे रहा नहीं गया, तब मैं जो संविधान के चौथे स्तंभ आप लोग कहे जाते हैं मीडिया कर्मी, हम आपके द्वारा सरकार और शासन और प्रशासन के तक कि हमारी आवाज़ जा सके, हम आपके द्वारा ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। तो अभी आपने ज्ञापन दिया उप जिलाधिकारी को और आपने जो है सामूहिक तौर पर बाड़ीवासी जो है मतदान बहिष्कार करेंगे, और ये जनपद सीतापुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी कल हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन या रोड इसी रोड के चक्कर में उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब को अवगत करा देंगे, हम लोगों ने उनसे स्पष्ट तौर के बाड़ी के सम्मानित जो जनता थी वो भी साथ में गए, तो उन्होंने हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सर अगर हमारे ग्राम में जब तक के रोड नहीं तब तक के वोट नहीं हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम वोट का बहिष्कार कर सकते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना किसी की दूसरे की लड़ाई कर रहे हैं, हमको विकास चाहिए, जो भी कोई नेता मंत्री आता है हम लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले जाता है, तो हम लोगों ने भी एक थाना है
कि जब तक कि हमारे कस्बे बाड़ी में रोड नहीं बनेगी मेन रोड, तब तक कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक के ये रोड नहीं बनेगा हम बाड़ी भर के कोई भी एक वोट नहीं पड़ेगा यहाँ के ऊपर। और रोड देखिए पीछे हमारे कैसा बना हुआ है, सब पानी भरा है यहाँ से वहाँ तक के। क्या नाम है आपका? हमारा शमसुल हसन। अच्छा, तो आपने आज कल आपने उप जिलाधिकारी सिधौली में ज्ञापन दिया है मतदान बहिष्कार? हाँ हाँ दिया गया है, जिला जिलाधिकारी को दिया। ये समस्या लगभग कितने दिन से? ये भाई साहब ये समस्या जो है मान के आज से नहीं बहुत रोज से है, ये समस्या दो साल से है। क्या नाम है? चंद्रिका। क्या समस्या है? रोड खराब है भैया। अच्छा, तो आप बाड़ी में रहते हैं? बाड़ी में रहते हैं। ये जो आप पीछे रोड देख रहे हैं? हाँ यही रोड खराब है। इतना पानी भरा है, चाला है, निकलना मुसीबत छाई है। एक एक बुढ़े आदमी कहूँ घर से निकले वाली दशा नहीं, वह दशा हो गई। ऐसा रोड कहीं नहीं।